नमस्कार दोस्तों, टेक गुरु ऋतु चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई, आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको आपके YouTube के एक्सटर्नल शॉर्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर है जो अपने यूट्यूब वीडियो को शुरू शुरू में दोस्तों अपने सोशल एप्लीकेशन रहती है जो यहाँ पर व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर बहुत ही ज़्यादा उस वीडियो को शेयर करते हैं, और ऐसे में उन लोगों का एक्सटर्नल शॉर्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। और उन लोगों को ये परेशानी होती है कि भाई हम अपने एक्सटर्नल सोर्स को कम कैसे करें। अगर आपको ये जानना है कि आप अपने यूट्यूब के एक्सटर्नल सोर्स को कम कैसे कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक भाई जरूर देखते रहेगा। तो चलिए, मैं आपका बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर दोस्तों आपका YouTube का जो एक्सटर्नल सोर्स है वो 20% या फिर 25% हो चुका है, तो आप उसे यहाँ पर कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने YouTube वीडियो को जो यहाँ पर WhatsApp के अंदर, Facebook के अंदर शेयर करते हैं, उसे आपको यहाँ पर शेयर करना बंद कर देना होगा। अगर आप ऐसे ही रोजाना अपने वीडियो को WhatsApp के अंदर या फिर Facebook के अंदर शेयर करेंगे, तो आपका एक्सटर्नल सोर्स है वो ऐसे ही रोजाना बढ़ता रहेगा, और आपके दोस्तों चैनल के ऊपर भी आगे जाके आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको सबसे पहले आपका YouTube का जो वीडियो यहाँ पर आप रोजाना शेयर करते हैं, उसे यहाँ पर आपको स्टॉप कर लेना होगा। अगर आप ऐसे ही शेयर करते रहेंगे तो आपका एक्सटर्नल शॉर्ट बढ़ता रहेगा, और अगर आपको ये लगता है कि भाई आपका YouTube के वीडियो अगर आप शेयर नहीं करते तो आपके ऊपर कोई भी व्यू नहीं आते, तो आपको उन लोगों को अपनी वीडियो शेयर करनी है जो आपकी वीडियो को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मिनट तक देखे। आप उन लोगों को अगर अपनी वीडियो शेयर करेंगे तो आपका वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल सोर्स में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर आप उन लोगों को अपनी वीडियो शेयर करते हैं जो आपकी वीडियो को देखते भी नहीं है, तो आपका ऐसे में एक्सटर्नल सोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, और आपके चैनल के ऊपर कोई भी व्यू भी नहीं आते। अगर दोस्तों आपका एक्सटर्नल सोर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और आप सोच रहे हैं कि भाई कम कैसे होगा, उसके लिए हम क्या करें, तो आपको दोस्तों वेट करना होगा। अगर आपकी यूट्यूब की कोई भी ऐसी वीडियो यहाँ पर वायरल हो जाती है, तो आपका एक्सटर्नल सोर्स है वो यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा, यानी 10% से कम आ जाएगा। अगर आपकी यूट्यूब की कोई भी ऐसी वीडियो वायरल हो गई, तो आपका एक्सटर्नल सोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, और ऐसे में आपके चैनल के ऊपर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर दोस्तों आपकी YouTube की कोई भी वीडियो वायरल नहीं होती, तो आपको दोस्तों अगर चैनल का एक्सटर्नल सोर्स भी 40% या फिर 45% इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आपको इन लोगों को ऐसा क्या करना है, तो आपको दोस्तों गूगल एडवर्ड की मदद से आपको अपनी वीडियो को यहाँ पर एक बार प्रोमोट करना होगा, यानी कि यहाँ पर आपको गूगल एडवर्ड की मदद से अपनी यूट्यूब वीडियो को प्रोमोट करना होगा। ये दोस्तों एक बिल्कुल लीगल तरीका है यूट्यूब की नज़र में, तो आप अपने गूगल एडवर्ड की मदद से अपनी यूट्यूब वीडियो को प्रोमोट कर सकते हैं। अगर आप गूगल एडवर्ड की मदद से अपनी यूट्यूब वीडियो को प्रोमोट करेंगे, तो ऐसे में आपका एक्सटर्नल सोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि आपकी यूट्यूब की वीडियो के ऊपर जो व्यू आते हैं वो यहाँ पर यूट्यूब की सर्चिंग में से आते हैं, तो ऐसे में आपका एक्सटर्नल सोर्स है वो यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा, और आपके चैनल के ऊपर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप अपने YouTube के एक्सटर्नल सोर्स को यहाँ पर कम कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई भी ऐसी परेशानी हो, तो आप नीचे कॉमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं, मैं आपको उसका जरूर आंसर दूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और आपको ऐसी वीडियो देखना दोस्तों बहुत ही पसंद हो, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि मैं आगे आपके लिए ऐसी कोई भी वीडियो लेके आऊंगा तो उस वीडियो को यहाँ पर आप सबसे पहले वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज की वीडियो को यहीं तक ही रखता हूँ, मिलते हैं अपने आगे की नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया आप सभी लोगों का, बाय बाय।